अब जनाब क्या होता है, इट इज़ फर्टाइल टू आर्गो विद हिम वंस ही हैज़ मेड हिज माइंड। यार पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत एग्जांपल मिलते हैं, कुछ गिनती ही होंगे जैसे एग्जांपल में नहीं आते होंगे, ठीक है। सो फर्टाइल, अनप्लेजेंट, इनकोरेजिंग, हेल्पफुल, एक ही हो सकता है, यूजलेस। कुछ लोग होते हैं भाई, वो तो वरना माफ कर सो फट गया ना, एकदम आँख में बैठ गया भाई, क्या कर लोगे उनका, कुछ नहीं मिला सकता। एनईडी के टेस्ट में आई भी दो बड़ी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, देखो वर्ड स्विनिंग भी आता है, साइनोनिम भी आता है उसमें, और ये अंडरलाइन भी होता है। जब अंडरलाइन हो तो बहुत आसान है, आपको नहीं भी मतलब पता तो सेंटेंस से बता सकते हो। ही इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ हिज फ्रेंड हु स्कोर्ड हायर मार्क्स देन हिम, तो जेलस अंडरलाइन है तो अब एग्जल्टेड आएगा, एनवियस आएगा, तो सही आंसर है एनवियस। बहुत अहम है, अनलाइकली मी शी इज गुड एट इंग्लिश, सो अनलाइक जो है ये अंडरलाइन है, तो क्या होगा, डिफर फ्रॉम, अदर देन, कॉन्ट्रे टू, सिमिलर टू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्रे टू। जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो एनएडी में आता है, वो कैप इस तरह आती है कि एक वर्ड अंडरलाइन होता है और हमें अंडरलाइन का साइनोनिम बताना होता है, ये थोड़ा आसान होता है क्योंकि सेंटेंस से भी मदद मिल जाती है। दी आइडिया सीम्ड एक्सट्रीमली एडवांटेजेस, तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, एडवांटेजेस, देयरफॉर इट वॉज एक्सेप्टेड यूनिनिमसली, यानी सबने बड़ी आसानी से कर लिया। एडवांटेजेस, ऑप्शन है सुपेरियर, बेनिफिशियल, हेल्पफुल, डोमिनेंट। सुपेरियर और डोमिनेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बेनिफिशियल और हेल्पफुल में ऑफकोर्स बेस्ट चॉइस क्या है, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद, और एडवांटेजेस का मतलब भी क्या होता है, फ़ायदेमंद। कि इस तरह जब सेंटेंस की सूरत में आते हैं बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग क्या है। कॉमन स्टूडेंट्स इन इंग्लैंड डोंट वेयर अ यूनिफॉर्म, मेजॉरिटी म्यूचुअल, पुअर, एवरेज, तो जनाब जो कॉमन स्टूडेंट जो इंग्लैंड में वो यूनिफॉर्म नहीं पहनता, तो कॉमन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ज़्यादा बेहतर है, म्यूचुअल, पुअर या एवरेज? कॉमन, देखो कॉमन का मतलब होता है क्या है कि कॉमन एक आम आदमी की बात हो रही है, ठीक है, और आम आदमी के लिए इनमें सबसे अच्छा वर्ड एवरेज है, ये बात याद रखो, जो एक एवरेज पर्सन उसी को हम कहते हैं कॉमन मैन, ठीक है। कॉमन मैन को ना बहुत ज़्यादा पुअर में शुमार करते हैं, ना बहुत ज़्यादा रिच में शुमार करते हैं, उसको हम यूजली किस में शुमार करते हैं, एवरेज में। ड्यूरिंग द वॉर द शिपिंग लाइंस प्रूव्ड वर्नर एबल टू अटैक, तो सस्पेक्टेबल, डेंजरस, फ्यूटाइल, तो इसका करेक्ट आंसर है सस्पेक्टेबल। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इट वॉज अ बिग मिस्टेक, अंडरलाइन क्या है, बिग मिस्टेक। ऑप्शन में ब्लंडर, ट्रेजडी, कैटेस्ट्रॉन, मिसहैप, तो ब्लंडर, कोई बहुत ही बड़ी, आपने पूरा पेपर सही किया, रोल नंबर किसी और का ख्याल किया था। ओके जी, पेपर में आए हुए सेंटेंस वोकैबुलरी पेपर में बहुत आते हैं और इन्हें सॉल्व करना भी आसान होता है। द टू कंपनीज आर गोइंग टू मर्ज बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो लफ्ज यूज हो रहा है मर्ज, अंडरलाइन है बिकम वन, डिवाइडेड इंटू टू, डिजॉल्व, चेंज ऑनर्स, तो इसका असली आंसर है बिकम वन। जैसे कि रेगन एंड गोल्डमैन और जॉनसन एंड जॉनसन मर्ज हो गई थी, एक बन गई थी। ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर्स हैव हैड सम ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी एंड साइकेट्री, अब देखो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड में पहला वर्ड है ऑलमोस्ट, मेडिकल डॉक्टर्स, दूसरा है हैव हैड, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है डी, इनमें से किसी एक में एरर है, तो भाई ऑलमोस्ट मेडिकल डॉक्टर हैव हैड सम ट्रेनिंग इन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ओ भाई सबको ट्रेनिंग लेते हैं, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि ऑल डॉक्टर्स, ठीक है, ऑल मेडिकल डॉक्टर्स, तो गलती कहाँ है, ऑप्शन ए में। अच्छा आपको करेक्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मार्क करना है, क्योंकि एरर कहाँ है, एरर ऑप्शन ए में है। जनाब जनाब जनाब, बड़ा अच्छा सवाल है, प्लांट्स विच मेकअप
अगर यहाँ गलती है तो ऑप्शन ए, 90% ऑफ विजिबल, अगर विजिबल गलत है तो सी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म वर्ड में कहीं गलती है तो डी, गेट देयर फूड एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। मेरे भाई प्लांट्स विच मेकअप 90%, ये क्या दे दिया भाई, 90% होता है, परसेंटेजेस नहीं होता, तो एरर कहाँ है भाई, एरर यहाँ है बी ऑप्शन। हंटर केयरफुल्ली स्टॉक्ड द डियर, सो डियर यहाँ पे क्या आएगा, हाँ जी स्टूडेंट टीचर के ये वाला डेयर नहीं, डेयर से मुराद प्यारे स्टूडेंट्स होती है, ठीक है भाई। शॉर्ट एम्ड स्किन या ट्रैक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉक की जगह ट्रैक्ट, यानी यहाँ भी ऑप्शन। देखिए जी बहुत अच्छा सेंटेंस है, ही रिजॉल्व टू एक्ट मोर वाइसली इन द फ्यूचर, प्रोमिस्ड, होप्ड, कॉन्सेंटेड, डिसाइडेड, तो इसका करेक्ट आंसर है डिसाइडेड भाई, डिसाइड ही करेगा कि आइंदा जो है मोर वाइसली काम करेगा, क्या बात है। फरिंग बाय कंपनी एम्प्लॉयज कॉस मैनी बिजनेस थाउजेंड्स ऑफ डॉलर ईच ईयर, सो जनाब क्या है, एब्सेंटीज़म, स्टीलिंग, टॉर्टिंग, इग्नोरिंग, आंसर होगा स्टीलिंग। He got now here with this plan to balance the budget. He got now here with this plan to balance the budget. Succeed completely, accomplish nothing, fool no one, become obsessed. So accomplish nothing. Got now here. क्या हो जाएगा? Accomplish nothing. This is your correct answer. ये बड़े इंपॉर्टेंट है पासवर्ड में, ऐसे साइनोनिम बहुत आते हैं कि एक वर्ड अंडरलाइन है और हमें सिर्फ उसके मतलब पता लगाना है, तो देखो थोड़ा सा सेंटेंस समझ के भी लगा। कह रहे हैं देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ पॉइजन इन द कॉफ़ी, क्या बात है, नो ट्रेस, द केमिस्ट एनालाइज। देखो इस टाइप के सेंटेंस की वोकेबुलरी बहुत आसान होती है, पास पेपर की आई हुई है जिसमें ट्रेस अंडरलाइन है, तो हमें देखना है कि जो ट्रेस की जगह क्या आता है, ऑप्शन में इंडिकेशन, टेस्ट, कलर या स्मेल, तो जी सही आंसर इसमें क्या है, इंडिकेशन। द हॉर्स फाइनली केम टू अ हॉल्ट ऑन द वेरी रिम ऑफ द क्लिफ, सो जी रिम की जगह टॉप एज, स्लोप या बेस, तो करेक्ट आंसर है एज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्लाइमेट इज द सम ऑफ द वेदर कंडीशंस प्रीवेलेंट इन द एरिया, सो डेयर 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 अंडरलाइन वर्ड है प्रीवेलेंट, और आपसे पूछा है यहाँ आएगा क्या, तो मेरे भाई ऑप्शन में दिया है ऑकरिंग, अवेलेबल, करंट, ऑन गोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है अवेलेबल। जनाब क्वेश्चन है नेबर स्टेट्स, अंडरलाइन वर्ड नेबर ऑफन साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद वन अनदर, सो क्या आएगा नेबर्स की जगह, पीसफुल, फ्रेंडली, एडजेसेंट या डिवेलपिंग, तो एडजेसेंट बराबर। सेम बात है बच्चों के सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, ये क्या आती है, मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कॉइल टू गिव राइज टू बैक ईएमएफ इज नोन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, वेल कॉइल खुद अपने आप को इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है, इंडक्टेंस चाहे सेल्फ हो चाहे मेजर यूनिट इनका हेनरी होता है, ये बहुत अहम है कि वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। एग्जाम में सवाल आया था कि जी ऑप्शन ए डायमेंशन ऑफ कॉइल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन सी था परमिल एबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। कैंडिडेट्स विक्ट्री एट द पोल्स वॉज ओवरवेलमिंग जनाब, सो अंडरलाइन वर्ड है विक्ट्री, क्या ट्रेजरी, नहीं जी, क्या डिफीट, क्या ट्रम्प, बिल्कुल जी ट्रायम, ट्रायम के मीनिंग क्या होते हैं, विक्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रायम मीन विक्ट्री। फॉर्मली इन द यूनाइटेड स्टेट मैनी नर्सेस वर्क हैज अ प्राइवेट ड्यूटी नर्सेस रेदर देन इन हॉस्पिटल, और बहुत अरसे तक यूएसए में ऐसा ही होता रहा था कि हॉस्पिटल में जॉब नहीं करती थी नर्स, प्राइवेट ड्यूटी ऑफिसर करती थी, तो फॉर्मली की जगह प्रीवियसली, ऑफिशियली, स्ट्रिक्टली, पीरियोडिकली, तो असल आंसर है प्रीवियसली। ठीक है, बहुत अच्छा वोकैब है पास पेपर का, द इंटेंसिव मैन वॉज रेडिली,
यानी अंडर लाइन वर्ड है रेडली, परसुएटेड टू चेंज इस माइंड अगेन। तो रेडली की जगह क्या आएगा जी? बहुत सारे ऑप्शन है, ईजिली, हार्डली, सबली, एरपली, तो इसकी जगह आएगा ईजिली। देखिए बहुत अच्छा है, इन द फेमस नर्सरी रैम अबाउट जैक एंड जिल, जिल टम्बल्ड डाउन द हिल आफ्टर जैक। बड़ा मशहूर है जैक एंड जिल। तो यहाँ टम्बल्ड के साइनोनिम क्या होंगे? कॉल, फेल, बैन या फ्लू? तो इसका है फेल, यानी कि ऑप्शन। बड़ा अच्छा है, द वेलनट इज़ अ डेटियस ट्री दैट बेयर्स वैल्यूएबल नट्स। अब बेयर्स की जगह क्या आएगा? एनरिचेस यील्ड्स रिप्लेसेस हाइट्स। तो बेयर्स की जगह यील्ड्स, ठीक है, ऑप्शन बी। द वेलनट इज़ अ डेटेशियस ट्री दैट बेयर्स वैल्यूएबल नट्स। तो बेयर्स की जगह यील्ड्स। वर्ड है डिप्लोर, जिसके मीनिंग होते हैं माउंट, बहुत ज़्यादा गमज़दा, ठीक है, डिप्लोर माउंट गमज़दा। डिसोनेंस वॉर यानी के जंग, डिसोनेंस वॉर यानी के जंग। एमिजरी एजेंट, एमिजरी एजेंट। एम्पेटाइज बूस्ट, एम्पेटाइज बूस्ट। फ्लोटसम रिमेन्स, फ्लोटसम रिमेन्स। फॉरबियरेंस पेशेंट, फॉरबियरेंस पेशेंट। कैरोलस टॉकी, हर वक्त बात करने वाला, टॉकेटिव भी कह सकते हैं। क्लिप एम्प्टी या होलो, होलो का इसका मतलब कत्लेआम भी होता है, लेकिन एक इसका मतलब फायर यानी आग भी होता है। मोस्ट एसेंट्रिक स्ट्रेंज अपेरल क्लोथ्स, एपेटाइट भूख को भी कहते हैं, फूड को भी कहते हैं। तो एक नज़र देख लो, एपेटाइट फूड, अपेरल क्लोथ्स, मोस्ट एसेंट्रिक स्ट्रेंज, होलोकास्ट फायर, गिलिप एम्प्टी होलो, कैरोलस टॉकी, फॉरबेरेंस पेशेंट, फ्लोटसम रिमेन्स, एम्पेथाइज बूस्ट, इमेजरी एजेंट, डिसोनेंस वॉर, डेप्लोर माउंट। ओके जी, 2021 एनएडी, और चूंकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैप ज़्यादा जमा। कर्व का रिस्ट्रेंट, रिम का ब्रिंग और एज, अबाइट का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीजनेबल का सेंसिबल। वेल, कुछ और भी देख लो, सेट का सोरोफुल, डिस्टेस्ट का हैट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नोइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नोइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्टेस एट्रेट, सेट सोरोफुल, रीजनेबल सेंसेबल, डायरेक्टेड पॉइंटेड, हारमोनी पीस, कॉन्फिडेंशियल सिगरेट, अबाइट एक्सेप्ट, रिम ब्रिंग एज कर रिस्ट्रेंट। ओके जी, 2021 एनएडी, और चूंकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैप ज़्यादा जमा। कर्व का रिस्ट्रेंट, रिम का ब्रिंग और एज, अबाइट का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीजनेबल का सेंसिबल। वेल, कुछ और भी देख लो, सेट का सोरोफुल, डिस्टेस्ट का हैट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नोइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नोइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्टेस एट्रेट, सेट सोरोफुल, रीजनेबल सेंसेबल, डायरेक्टेड पॉइंटेड, हारमोनी पीस, कॉन्फिडेंशियल सिगरेट, अबाइट एक्सेप्ट, रिम ब्रिंग एज कर रिस्ट्रेंट। ओके जी, 2021 एनएडी, और चूंकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए ज़ाहिर है वो कैप ज़्यादा जमा। कर्व का रिस्ट्रेंट, रिम का ब्रिंग और एज, अबाइट का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट,
हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीजनेबल का सेंसिबल। वेल, कुछ और भी देख लो, सेट का सोरोफोल्ड, डिस्टेस्ट का हेट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नॉइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्टेस एट्रेट, सेट सोरोफुल, रीजनेबल सेंसेबल, डायरेक्टेड पॉइंटेड, हारमोनी पीस, कॉन्फिडेंशियल सिगरेट, अबाइट एक्सेप्ट, रिम ब्रिंग एज कर रिस्ट्रेन। ओके जी, 2021 एनएडी, और चूंकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए जाहिर है वो कैब ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रिम का ब्रिंग और एज, अबाइट का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीजनेबल का सेंसिबल। वेल, कुछ और भी देख लो, सेट का सोरोफोल्ड, डिस्टेस्ट का हेट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नॉइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्टेस एट्रेट, सेट सोरोफुल, रीजनेबल सेंसेबल, डायरेक्टेड पॉइंटेड, हारमोनी पीस, कॉन्फिडेंशियल सिगरेट, अबाइट एक्सेप्ट, रिम ब्रिंग एज कर रिस्ट्रेन। ओके जी, 2021 एनएडी, और चूंकि मल्टीपल टेस्ट हुए थे इसलिए जाहिर है वो कैब ज़्यादा जमा है। कर्व का रिस्ट्रेन, रिम का ब्रिंग और एज, अबाइट का एक्सेप्ट, कॉन्फिडेंशियल का सिगरेट, हारमोनी का पीस, डायरेक्टेड का पॉइंटेड, रीजनेबल का सेंसिबल। वेल, कुछ और भी देख लो, सेट का सोरोफोल्ड, डिस्टेस्ट का हेट्रट, लाइकली बिलीवेबल, विवेशियस लाइवली, अचीवमेंट सक्सेस, लाउड का नॉइजी, स्टॉर्मी रफ, एक्साइटेबल होस्टाइल, प्रीडेट एबोरेंस। सो एक रिव्यू कर लें, प्रीडेट एबोरेंस, एक्साइटेबल होस्टाइल, स्टॉर्मी रफ, लाउड नॉइजी, अचीवमेंट सक्सेस, विवेशियस लाइवली, लाइकली बिलीवेबल, डिस्टेस एट्रेट, सेट सोरोफुल, रीजनेबल सेंसेबल, डायरेक्टेड पॉइंटेड, हारमोनी पीस, कॉन्फिडेंशियल सिगरेट, अबाइट एक्सेप्ट, रिम ब्रिंग एज कर रिस्ट्रेन। एनईडी के पास सिवर्स के हैं, स्केयर्स लिमिटेड, स्केयर्स लिमिटेड, रिटेंडेंट ब्रीफ, रिटेंडेंट ब्रीफ, रैकन वंडर, रैकन वंडर, फिलेंथ्रोपिस बेनिफैक्टर। देखो, फिल कहते हैं रफ को, एंथ्रोपिस इंसान को, जो लोगों को फायदे पहुंचा रहा हो, बेनिफैक्टर। फिल्च स्टील, चोरी करने वाला, ठीक है, चोरी को भी कहते हैं। बॉच फेल, एग्जाम में कोई फेल हो गया। हारमोनी टुगेदर। फ्रूगेलिटी कंजूसी को कहते हैं, यानी इकोनॉमी भी, पारसी मनी भी, बहुत सारे वर्ड हैं। प्रीकैरियस कॉशियस, और एबाइसमल डीप। तो दोबारा देख लो, एबाइसमल डीप, प्रीकैरियस कॉशियस, फ्रूगेलिटी इकोनॉमी, हारमोनी टुगेदर, बॉच फेल, स्केयर्स लिमिटेड, रिटेंडेंट ब्रीफ, वैकन वंडर, फिलैंथ्रोपिस बेनिफैक्टर, फिल्च स्टील। टॉटरी के मीनिंग होते हैं पुअर क्वालिटी लिटिल वैल्यू। अब चाइना वाले देखो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए वो बड़ी हाई क्वालिटी बनाते हैं, हमको जो बेचते हैं वो टॉटरी चीज़ें बेचते हैं, पुअर क्वालिटी लिटिल वैल्यू। मेरिट्रिशियस, फॉल्सली अट्रैक्टिव, कोई ऐसी चीज़ है जो फॉल्सली अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, मतलब बाहर ऐसा लग रहा है, अब कोई बंदा उल्टा खड़ा हुआ है सड़क पर तो कोई अहमियत तो नहीं है उस चीज़ की, लेकिन आपके लिए एक अट्रैक्टिव हो गई मेडिट्रेशियस वो चीज़। कैकोफोनस, वेरी नॉइजी, ये जो शोर होता है ना, हाँ, खासतौर पे रिक्शे का शोर, साइलेंसर उसका जो फटाफट, लड़कों की बाइक भी बाजू का, कैकोफोनस, वेरी नॉइजी।
रूमिनेट, थिंक डीपली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचना, ठीक है। पांच से भर में हाईवे बड़े इंपॉर्टेंट, वो क्या? फोर्स फेयर, गिव अप करना, इंसान हिम्मत हार जाता है बाज़ूकात। विकेरियस एक्सपीरियंस इनडायरेक्टली, एक्सपीरियंस इनडायरेक्टली। फिटफुल नॉट कंटिन्यूस, फिटफुल नॉट कंटिन्यूस। ये भी बहुत पक्के एमसीक्यूज जो हर पेपर में आते हैं हाई फ्रिक्वेंसी, फिर बता रहा हूँ वर्ड इससे बाहर से नहीं आते। रेजिलेंस अलास्टिसिटी, रेजिलेंस अलास्टिसिटी। इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, इनएविटेबल अनअवॉइडेबल। लेटेंट हिडन, लेटेंट हिडन। इल्यूशन डिसेप्शन, इल्यूशन डिसेप्शन, देखो धोखा। एफ वंडर एंड फ्राई, और ब्लीक कहते हैं तारीखी। डार्कनेस, ड्रीरी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? ड्रीरी। हाँ भाई, ब्लैक से ध्यान में रख सकते हो ना, ब्लैक। लेटेंट, छुपी हुई, ठीक है जी। इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, भाई अगर कोई, देखो एक बात सुनो, धमाका होता है तो आप लाजमी सी बात है सोते में उठ जाओगे, ठीक है, ये चीज़ क्या होगी? इनएविटेबल, ठीक है। और रेजिलेंस, पास पेपर की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट वो कैब है, और वो कैब के अले से जो मैं कराता हूँ भाई उससे बाढ़ नहीं आती अगर आपने ईमानदारी से की तो। डेसीमेट के मीनिंग होते हैं किल, तो भाई किसी को मिटाना है, ओए तुझे डेसीमेट करना है, ओए तड़ी देनी है, तो कल आज क्या बात है तुझे डेसीमेट, तो ये होता है डेसीमेट। क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब तो होता है डर, क्लास्ट्रो कहते हैं बंद स्पेस को, तो फेयर ऑफ क्लोज स्पेस, फेयर ऑफ क्लोज स्पेस। देखें फोबिया देखते ही एक बात तो तय है कि बात किसकी हो रही है, डर की हो रही है, और किस बात का डर? क्लोज स्पेस का डर। फिर है रिपेलेंट, अनअट्रैक्टिव। कुछ लोग होते हैं कि उनसे बात करो ना बड़े अजीब से लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी अनअट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है जी। वरी, कॉशियस, बहुत ज़्यादा क्या, देखभाल करना, एहतियात करना, भाई ज़रा वारी रखो, वरी से जहन में रख सकते हो। इसके बाद है मर्की, क्लूमी। अच्छा, क्लूमी, सलन, सैटरनाइन, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा सैड या गमगीन को, ठीक है। तो मर्की यानी समझो उसको इतनी शदीद वो सैड हुआ कि उसको मर्की का दौरा पड़ गया, तो ऐसे जहन में रख सकते हो। बम्बास्टिक, बम्बस्ट, जो अपने आप को ना बहुत कुछ समझते हैं, दूसरों को अपने से बहुत कमतर। ओए मैं बड़ा बम्बास्टिक हूँ, हैं मुझे, मुझसे पूछ रहा है, हैं मैं तो मैं हूँ। वो कहते हैं ना कि मुझको बहुत वहम था कि मैं बहुत हैम था, ये बात इंसान को कबर में जाके पता चलती है, ठीक है मेरे भाई। तो बम्बास्टिक भाई क्या बात है यार। एटिपिकल अनयूजुअल, टिपिकल कहते हैं जो यूजुअल टाइप की चीज़, तो ए टिपिकल अनयूजुअल। और ही घबराना, और ही अकुर्ब के मीनिंग घबराना, यानी आपने और ही नहीं करना। एपेस मीन ह्यूमिलिएट, बेइज्जत करना। अब मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, दरवाजे पे खटखट हुई, आपने पूछा कौन? आपका कोई क्लास फेलो था, नवीद। कौन नवीद? वो तुम्हारा गिला चलो, अच्छा मैं समझा स्वीपर नवीद था, तो जानबूझ के आपने क्या कर दिया उसको? और बेस कर दिया, आ बेस, आ बेइज्जती, बेस बेइज्जती जान में रख सकते हो, ठीक है, आ बेस बेइज्जती। जेंटिलिटी, रिफाइनमेंट, दोबारा से, ठीक है, रिफाइन करना। फास्ट पेपर के और वर्ड, एक्सप्लिसिट कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, तो हम कहेंगे एक्सप्लिसिट। रिकेंट टू रिट्रैक्ट, पीछे हटना, जैसे कि फौज अक्सर कहते हैं हम रिट्रैक्ट हो रही हैं, रिकेंड हो रही हैं। स्पेकुलेट, टेक अ रेस्ट, रेस्ट लेना। एसेस, एवलुएट। हैफेक्स, फास्टन टू। अकॉर्ड, ग्रांट करना। इम्पीच टू एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। अपेश टू इंसल्ट। तो एक्सप्लिसिट के लिए रिकेंड टू रिट्रैक्ट, स्पेकुलेट, टेक अ रेस्ट, एसेस, एवलुएट, हैफेक्स, फास्टन टू, अकॉर्ड, ग्रांट, इम्पीच टू एक्यूज, अबेश टू इंसल्ट। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अपेट के मीनिंग होते हैं बिकम लेस। तो देखो कैसे अकत कर सकते हो, आ पेट काट ले, आ पेट काट ले। अब कोई बंदा है खाना मांगे जा रहा है आपसे, आप तंग आ गया भाई यार कितना खाएगा भाई,
तो फिर क्या बोलोगे आप, भाई मेरा पेट कम कर दे, आप पेट कम कर दे, पेट को लेस कर लें। टोंड लेस बोल्ड, यानी कोई बड़ा बहादुर बंदा है ना तो क्या कहेगा, टोंड को दांत से याद रख सकते हो ना, मैं तेरे दांत लेस कर दूंगा, टोंड लेस। जारगोन अन इंटेलिजिबल स्पीच, ठीक है। ट्रिफलिंग इररिलेवेंट, रिकाउंट टेल, लेविश एक्सेसिवली जेनरस। अच्छा देखो, लेविश बेसिकली अय्याशी के लिए यूज़ भी होता है और अगर आप बहुत ज़्यादा सखावत कर रहे हो उसके लिए भी। ट्रिफलिंग बड़ा है मैं इररिलेवेंट। ऑब्लिवियस अनअवेयर, नहीं जानता। ऑब्जेशन कंपल्शन, और इनेन सिली बहुत ज़्यादा बेवकूफ। आज मैं वो चीज़ करा रहा हूँ जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही है। देखो कुछ है हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड जो हर पेपर पे आते हैं, क्या एम कैट हो, क्या ई कैट हो, क्या सी एस एस हो, बी कैट हो, आई एस एस बी हो, नीली का टेस्ट हो, हर जगह ये कुछ एम सी क्यूज बार बार आती हैं वो क्या। तो आज उन्हीं हम बात कर रहे हैं टॉप 200 में से टॉप 5 की। जैसे कि स्टडी, इसके मीनिंग होते हैं स्टालवर्ट, स्ट्रॉन्ग, ये मुक्का मारा और गिरे, बाहुबली, ठीक है जी। सैपी सिली, जो आमतौर पे फिल्मों के विलन दिखाते हैं, सैपी, बड़े सैपी होते हैं, बड़े सिली होते हैं। यूजर टू सीज, सीज कर देना, जैसे कि हम कहते हैं ना टायर की हवा सीज हो गई। इंट्रैपिड ब्रेफ, यार आज के दौर में जो बंदा सच बोलता है मैं कहता हूँ वो बहुत बड़ा इंट्रैपिड है। मौजूदा दौर में सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि और अब्रेड क्रिटिसाइज सेंस्योर, ठीक है, अब्रेड क्रिटिसाइज सेंस्योर। पाकिस्तान में जो से लोग एजुकेशन या हेल्थ के साथ होता है भाई, उस पर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा अप्रेड क्रिटिसाइज सेंस्योर। कुछ बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी साइनोनिम्स, कार्विंग फाइंडिंग फॉल्ट, किसी में फॉल्ट निकालना। अलेग्रिसिटी विलिंगनेस, अलेग्रिसिटी विलिंगनेस। डिकॉय मीन ल्यूड ट्रैप ट्रिक, किसी को फंसाना, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू अक्सर अवगत होता है कि जी आपको इतना इतना इनाम मिला है। एक्टेसी रेप्ट्योर चॉय, खुशी इंशाल्लाह एक्टेसी मिलने वाली आपको जब आपका टेस्ट क्लियर होगा, ठीक है। कार्विंग फाउंडिंग फॉल्ट और अलेग्रिसिटी विलिंगनेस। बड़ा अच्छा वर्ड है एफ्रंट, इसके मीनिंग होते हैं इन द हाइएस्ट डिग्री, एफ्रंट इन द हाइएस्ट डिग्री। मोरोस के मीनिंग है सलन, ग्लोमी, डार्क, सैटरनाइन। और फेगेंड के मीनिंग फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होना किसी चीज़ का। एक्सटोल प्रेस हाईली, किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ होना। एपीस मेक क्वाइट और काल्म, किसी को ठंडा करना, अब यार ठंडा हो जा भाई। सो ये कल आए हुए सवालत, एलर्न इन द हाइएस्ट डिग्री, मोरोस, सलन, ग्लोमी, डार्क, सैटरनाइन, फैगट, फर्टाइल, एक्सटॉल, प्रेस आईली, एबीएस, मेक क्वाइट और काम। ओके जी, एक बहुत अहम पोर्शन, ग्रामर में एरर डिटेक्शन, ए बी सी डी में एरर कहाँ है। हेमंत एनली सॉल्व मिस्टिफाइंग मिस्ट्री ऑफन विद टूगेदर, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, साफ दिख रहा है सी। यार भाई विद तुम कहाँ से आ रहे हो। देखो एरर डिटेक्शन के लिए बेहतरीन मेथड होता है मेरा इजाज़त मेथड, एक एक वर्ड से पूछोगे भाई इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं। हेमंत एन अली, चले ठीक है जी, दो बंदे एंड आ सकता है। सॉल्व मिस्टिफाइंग, मिस्टिफाइंग होता है बिल्कुल, मिस्ट्रीज। ऑफन विद टूगेदर, ऑफन टूगेदर काफ़ी है तो विद की ज़रूरत नहीं थी।